10 के विद्यार्थियों के लिए है मॉडल पेपर, हल सहित आप देख रहे ना, पूरा हल मिलेगा, वीडियो स्किप न करना, पूरा शुरू से अंत तक देखना। नवीनतम यूपी बोर्ड मॉडल पेपर, यूपी बोर्ड द्वारा हाई स्कूल परीक्षा के लिए जारी है, दिया गया है पेपर। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार से सभी प्रश्न आएंगे। ये निर्देश दिया गया है आपको पढ़ने के लिए, निर्देश अच्छी तरह पढ़ लेंगे, इसका पालन करते हुए सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, हल सही है आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक खंड के ऊपर उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही है, सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। निम्नलिखित में कौन सा सह अभाज्य संख्याएं का युग्म है, इन चारों में एक सही है, अपना करना। ये सभी प्रकार जितने क्वेश्चन आए हैं हमारे वीडियो में डाला जा चुका है, आपका सभी का हल इस अच्छी तरह समझाया जा चुका है मिलेगा, और अंत में इस वीडियो के अंत में भी सबका हल मैं दे रहा हूँ। द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल है, 4 विकल्प है उनमें से एक सही है। समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है, 4 विकल्प है उनमें से एक विकल्प सही है। cos 60° - sin 60° - sin 30° का मान होगा। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, माध्य, बहुलक, माध्यिका, मानक विचलन। दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 तथा 0, -8 है, इन बिंदुओं से बने रेखा खंड के बिंदु के निर्देशांक होंगे, देख रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि 15, अगला क्वेश्चन है, यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। गा है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इनके संगत भुजाओं के में अनुपात बताइए। यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। यह क्वेश्चन हल करके डाल दिया गया है पहले से भी, अभी भी आपको उत्तर इसका हल मिल रहा है। यदि a का मान ज्ञात की मूल मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax + 2y = 0 तथा ax + ay = 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में px / sq = pt/tr है तथा कोण PST = PRQ है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस देख रहे चित्र बना हुआ है। घा है, यदि एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे सम के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 और 8 सेंटीमीटर है, सन्न के छिन्नक की त्रियक ऊंचाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, कई बार बोर्ड परीक्षा पूछा जा चुका है। सभी खंड कीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए 272 और 1032 का मासा ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, पहले से ही मैंने इसका वीडियो डाल दिया है। त्रिभुज ABC में भुजा BC तथा पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC = कोण BAC, तो सिद्ध कीजिए कि CA² = BC × CD। यदि आप मुझसे जुड़े रहते हैं तो आपको प्रतिवर्ष मॉडल पेपर, प्री बोर्ड, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा का पेपर मिलता रहेगा, और आप अगर इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, पूरा वीडियो आप देखते हैं, तो हर विषय के मॉडल पेपर आपके लिए डाले जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खंड कीजिए, इसके 2:3 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों की माप लिखिए। अगला क्वेश्चन है, cot θ = 7/8 हो तो 1 + sin θ, दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin θ / 1 + cos θ, दूसरे ब्रैकेट में 1 - cos θ का मान निकालिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो, जिनके वर्गों का योग 365। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जा रहा है, मैं 100% कह रहा हूँ, इसको रिपीट कर लेना, एक बार देख लेना, यह क्वेश्चन आपकी 2023 में निश्चित रूप से आएगा। अगला है, बिंदु P ब्रैकेट के अंदर -4, 6 बिंदुओं A ब्रैकेट के अंदर -6, 10 और बिंदु B के निर्देशांक है -3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में
ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शानी है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए, मतलब समांतर माध्य ज्ञात करना है। चित्र देख रहे, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना हो, दोनों संख्याएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आ सकता है आपके यहाँ निश्चित रूप से, चाहे वो पहले वाला बताया या दो में से एक जरूर आएंगे। दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ए बी सी डी 14 सेंटीमीटर, भुजा एक वर्ग है। देख रहे चित्र बना है, छायांकित भाग का आपको बताना है इसका क्षेत्रफल। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई माप कर लिखिए। स्पर्श रेखा खींचने के लिए क्वेश्चन आता है, कोई भी आ सकता है। किसी स्कूल के कक्षा यक्ष के 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया, निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त है, ये आंकड़े हैं, इनसे माध्य ज्ञात करना है। सभी खंड कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न समीकरणों के युग्म और रैखिक समीकरणों युग्म के बदल करके हल करना है, इसको रैखिक समीकरणों में परिवर्तित करके हल करना है। जैसे आप देख रहे हैं दिया गया दोनों समीकरण को। अगला है, चाहे इसको करना है चाहे अथवा इसको करना है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी क्वेश्चन, ये सातवां खंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अथवा भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। अब एक एक क्वेश्चन का हल देख लीजिए, हल सहित है। पहले क्वेश्चन का हल है, सभी बहुविकल्पी क्वेश्चनों का हल है, और एक क्वेश्चन नंबर 2 का हल है। देख रहे, तुलना करके विविक्त का ज्ञात किया गया है। सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहा होगा, ये सभी हल है। देख रहे हैं सभी क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन नंबर 3 का हल है, देख रहे हैं आपको। देख रहे, क्वेश्चन नंबर 4 का हल है, ये सब हल है, आपको मिल जाएगा। 5वां क्वेश्चन हल है, सही हल है, अच्छी तरह से समझाया गया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप हमसे जुड़े रहते हैं, अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो आपको ही लाभ होगा। जुड़े रहते हैं, आपको सभी प्रकार के पेपर मिलते रहेंगे। ये देख रहे हैं आपका हल है, 7वां क्वेश्चन का हल है, ये सभी खंड इसके हल है, लिखा है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।